तोरई की सब्जी बना रहे हैं, इसको नेनुआ भी कहते हैं, घेवड़ा भी कहते हैं, तोरई भी कहते हैं। इसकी सब्जी बना रहे हैं, चना डाल के काले मस्टर्ड ऑयल और जीरा डाले हैं, इसमें प्याज डालेंगे। चना है वो डाल देंगे, अच्छा लगता है काला चना, चाहे चना दाल डाल के अच्छा लगता है बनाने को। बनेगा अभी, फिर भुनने के बाद तोरई डाल के नमक हल्दी डाल के इसको फिर पकड़ के ढक देंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्या तोरई के पानी से ही चना भी पक जाएगा। गर्मी के दिन में ये सब्जी अच्छा लगता है, मीठा मीठा अच्छा लगता है और ठंडा भी होता है, हरा सब्जी है खाना चाहिए। रोटी पराठा चावल किसी के साथ भी खाइए, बनाइए खाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मेरा रेसिपी कैसा लगा आपको, ये भून गया है थोड़ा, अब इसमें नमक हल्दी डाल देंगे और इसका तोरई भी डाल देंगे साथ में। इसको सिम करके इसको पकने देंगे, इसमें से खुद ब खुद पानी छूटेगा, नमक हल्दी डालने से पानी छूटता है तोरई में। उसके बाद देखिए तोरई का सब्जी बन के तैयार हो गया है, इसको रोटी पराठा चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा बहुत अच्छा लगता है, पेट के लिए भी ठंडा होता है और हरा सब्जी है, इसको खाना चाहिए, विटामिन है इसमें, खाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरा रेसिपी कैसा लगा। थैंक यू।